शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कहाँ जा रहे हो शिवांश? ऐसे हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते ना। उन लोगों के बारे में पता तो करना पड़ेगा हमको। किनके बारे में? जिन लोगों ने हमारे पैसे हड़पे। पर शिवांश, अब उन्हें ढूंढोगे कहाँ? उनको ऑफिस पता है हमें, वहीं जाके सूटेंगे उनको। नहीं शिवांश, तुम ठीक हो जाओ, फिर कहीं पे भी जाना हम नहीं रोकेंगे। तुम्हारी जान से बढ़कर पैसे थोड़ी ना है। लो जूस पियो। लो शिवांश, आज हमको मत रोको, समझी तुम? शिवांश, शिवांश नहीं, शिवांश हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। दीदी ने दवाई देते वक्त कहा था कि तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है, तुम कहीं नहीं जाओगे। रुको, हम दीदी को बुलाते हैं। छोटी, तुम किसी को नहीं बुलाओगी, हम अभी थोड़ी देर में लौट आएंगे, समझी? अभी हमें जाने दो। नहीं शिवांश, 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 दरवाजा खोलो शिवांश। अम्मा जी, अम्मा जी, मम्मी, अरे बंद कर दिया बाहर से। क्या करे, क्या करे, कैसे निकले अब? हाँ, हाँ, फोन करते, मम्मी को फोन करते। नहीं नहीं, मम्मी की बात नहीं मानेंगे, मम्मी की बात नहीं मानेंगे शिवांश। हाँ, हाँ, दीदी को कॉल करते। स्वीटी? हाँ स्वीटी बोलो। हेलो दीदी, दीदी देखो ना, शिवांश लड़ने जा रहे हैं उन लोगों से जिन लोगों ने हमारे पैसे हड़पे हैं। दीदी वो हमें कमरे में बंद कर दिए, उसे तुम किसी भी हालत में रोको, शिवांश की हालत ठीक नहीं है और वो ना बहुत गुस्से में, कहीं गुस्से में आके कुछ करना बैठे। हम अभी जा रहे हैं शिवांश। वो लोग हाथ से निकल जाएंगे। अच्छा आप यहाँ नहीं बैठ सकते और वो लोग वहाँ आपका इंतजार कर रहे होंगे। अच्छा आप वहाँ चले भी गए और वो लोग मिल भी गए तो क्या करेंगे आप? मार पिटाई करेंगे? शिवांश पुलिस को बुलाते हैं ना। शबनी आप हमारी बात को नहीं समझ रही हैं। जब तक पुलिस पहुंचेगी बहुत देर हो जाएगी, आप हटिए। शिवांश नहीं। अच्छा ठीक है, हम भी चलें। आप भी? कहाँ? आपके साथ। हमारे साथ? और ऐसी हालत में? नहीं बिल्कुल नहीं, आपका ऐसी हालत में चलना हमारे साथ बिल्कुल ठीक नहीं। आप जाइए अंदर और हमको चले दीजिए। नहीं शबनी, हमने आपसे कहा ना, आप जाइए अंदर, हम जाएंगे अकेले। यही यही फिक्र हमें भी आपके लिए। आप कसम खाइए कि आप किसी को मारेंगे नहीं वहां, खाइए कसम शिवांश, वरना हम आपको जाने नहीं देंगे। शिवांश बोलिए। ठीक है, ध्यान से बैठिए। सारी फाइल, सारे पेपर इकट्ठे करो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी फटाफट। तुम रुको, मैं देख के आता हूं। तुम सारी रखो उसमें। पागल पागल क्या है? तुमने कहा था ना गोरखपुर छोड़ के निकल जाओ, अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ पैक करो उसे। जी सर। सर सर
सर वो लड़का आ गया जिससे हमने चेक किया था। लड़का? शिवांश पक्का यही जगह है? हाँ, उसका ऑफिस तो यहीं पे है। आओ देखते हैं। चलिए। चलो चलो जल्दी निकलो 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 जल्दी जल्दी पैक करो सब कुछ, कुछ भी रहना नहीं चाहिए। चलो चलो जल्दी। जल्दी जल्दी। अरे आगे से नहीं बेवकूफ, पीछा ले रहा जाओ। बोरा वो ऑफिस है। शिवांश यहाँ तो कोई भी नहीं है। श्रवणी लगता है सब भाग गए। देखा कह रहे थे ना हम आपसे कि वो लोग आपके इंतजार में बैठे नहीं होंगे। देखिए कोई भी नहीं है यहाँ। सब बर्बाद हो गया तो क्या करेंगे हम? इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाएंगे हम? शिवांश अब परेशान मत होइए, हम उन्हें जरूर पकड़ लेंगे। आपने जिस बैंक के खाते में पैसे डाले हैं ना, आजकल हम लोग खाते के जरिए उन्हें पकड़ सकते हैं, क्योंकि आजकल खाते आधार कार्ड से लिंक्ड होते हैं। हम पुलिस के पास जाकर उन्हें पकड़ सकते हैं। शिवांश चलिए। शिवांश क्या सोच रहे? बैंक खाते से भी कुछ पता नहीं चलेगा। आप ऐसा क्यों कह रहे? क्योंकि श्रवणी हमने उनको रिश्वत दी थी। जी नमस्कार। नमस्कार, हम शिवांश सिंह स्वीटी और शिवांश कंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से आए हैं। जी जी आइए बैठिए बैठिए। हम वो कॉन्ट्रैक्ट का जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो डिपॉजिट करवाने आए हैं, आप हमको अकाउंट नंबर दे दीजिए। ठीक है, हम मलेशिया का अपना एक अकाउंट नंबर देते हैं, आप उसमें डिपॉजिट करवा दीजिए। मलेशिया? लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट तो गोरखपुर का है, तो फिर विदेश के अकाउंट में पैसे क्यों डालने? भैया बहुत सीधे हो, अब इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो ऐसे ही थोड़ी मिलता है, जेब गर्म करनी पड़ती है, वो भी पीछे से। मतलब हम समझे नहीं। अरे 10% तो ऑफिसर की जेब में जाएगा, अब 10% ऑफिसर को दे रहे हैं तो कम से कम आप 40% तो कमाओगे, इसीलिए मलेशिया के अकाउंट में डलवा रहे हैं। देखो अगर आपको ठीक लगता हो तो ठीक है, नहीं तो इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमारे पास लाइन लगी हुई है। लेकिन मैं कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे लगता है आपका पहला कॉन्ट्रैक्ट है इसीलिए आपकी घीघी बन रही है। अब देखो पैसा कमाना है ना, रिस्क तो लेना होगा, और फिर तुमको भी आदत हो जाएगी। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना तो अब जा सकते हैं। याद रखना तुम्हारा सारा पैसा ब्याज समेत तुम्हारे मुंह पे मारेंगे हम और ये घर वापस लेंगे। अरे क्या सोच रहे हो भैया, कॉन्ट्रैक्ट लेना है कि नहीं लेना है? हाँ हाँ हम तो बस ऐसे ही, ये चेक है 60 लाख का, इसमें अमाउंट हमने भर दिया है, आप नाम और जिस खाते में पैसे डालने वो अकाउंट नंबर इसमें भर दीजिए। जी ठीक है, वो सब हम भर लेंगे। मुबारक हो। क्या शिवांश ये क्या कह रहे हैं आप? ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि आपने रोहन से होड़ लगाए बैठे थे। इतनी जल्दी आपको अमीर बनना था, बिना कुछ सोचे समझे आपने इतनी बड़ी रकम उन्हें कैसे थमा दी? शिवांश बाप बनने वाले हैं आप, और इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकते हैं? श्रवणी हमें पैसे देके अपना घर छुड़वाना था, इसलिए हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, और हमने सुना भी था कि कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए कुछ खिलाना पिलाना पड़ता है, रिश्वत देनी पड़ती है, बस हम उनकी बातों में आ गए। शिवांश
कारोबार करना चाहते हैं ना आप शिवांश, तो एक चीज समझ लीजिए, इसमें फैसले सोच समझ कर लिए जाते हैं, होश में लिए जाते हैं। और इसका पहला असूल है, बेईमानी से कुछ नहीं होता है। ठीक कहा आपने, हम हार गए चरवने, एक बार फिर हम हार गए। हमने न आओ देखा न ताओ देखा, ऐसे किसी को इतनी बड़ी रकम हमने थमा दी। सही कहा आपने कि हमारे अंदर अक्कल नहीं है कारोबार करने की। अरे इससे अच्छा तो वो कैंटीन मैनेजर की नौकरी थी, कम से कम उसकी वजह से हम अपने पैरों पे तो खड़े थे। गुस्से में आके हमने वो भी छोड़ दी, क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते, हम किसी लायक नहीं है। हम शर्मी हमको माफ कर दो, शर्मी सब खत्म कर दिया हमने, हम कुछ नहीं कर पाए, ना नौकरी ना कारोबार, हम किसी लायक ही नहीं है, हमें माफ कर दो, हमको माफ कर दो शर्मी, किसी लायक नहीं हम, हार गए, किसी लायक नहीं चलम भी। शिवांश संभालिए खुद को, हम हार गए चलमी, हम कुछ नहीं कर पाए, माफ कर दो हमें, माफ कर दो हमें चलमी। शिवांश संभालिए खुद को, इंसान गलतियों से ही तो सीखता है ना, और यही तो जीवन का अनुभव है। ये कारोबार का पहला झटका था, तो इससे सबक लीजिए और आगे बढ़िए, अभी तो आपको बहुत आगे बढ़ना है ना। उठे, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है शिवांश, हम लोग साथ मिलकर पता लगा ही लेंगे कि वो है कौन। चलिए देखते आगे क्या करना है। रवनी क्या हुआ, चलिए। हाँ चलिए, अरे मौसी हमारा खुद का ठिकाना नहीं है यहाँ पर, हम आपको बुलवा लेंगे, जल्दी बुलवा लेंगे। हाँ जी मौसी, रखते हैं, कोई जरूरी इंसान आया। गिन लीजिए पूरे 60 लाख। 60 लाख? अरे गिनने की क्या जरूरत है, आप थोड़ी ना हमको धोखा देंगे। पर इतनी जल्दी कहा थी, आराम से दे देते। अब आप अपना मुंह बंद रखिए। बिल्कुल बंद? अरे इसमें बहुत वजन है, ये तो हमारा मुंह बिल्कुल सिली देगा। ही बताएंगे श्रवणी को कि आप कितने बड़े लुटेरे हैं,
वही बेहतर होगा। हाय, कितने दिनों बाद इतने सारे पैसे देख रहे हैं। भानु जी थे तो माला माल रहते थे। लेकिन रोहन बाबू, आपने जो हमारी बेइज्जती की है ना, हम भूल नहीं पाएंगे। चंद्रा आगे बढ़कर हाथ मिलाने को कह रही है और आप धुतकार रहे हैं। ऐसे तो नहीं छोड़ देंगे आपको। बस वक्त का इंतजार है, डसेंगे जरूर। अम्मा जी देखिए ना, कितनी देर हो गई, शिवांश अभी तक नहीं आया। पता नहीं अम्मा जी क्या कर रहे होंगे, हमें बहुत चिंता हो रही है। नायकी दुल्हन, काहे परेशान हो रही हो, बैठ जा, आएंगे दोनों। परेशान कैसे ना हो अम्मा जी, देखा नहीं आपने सुबह क्या हालत थी शिवांश की। तो श्रवणी है ना उसके साथ, तो फिर शिवांश। शुभ बेटा। हद है शिवांश, हमको कमरे में बंद करके चले गए। और पता चला कुछ उन लोगों का? अम्मा, हम वो। हाँ शिवांश, कुछ पता चला? जिन लोगों ने हमारे पैसे लूटे थे, बोलो ना। वो अम्मा, अभी तो कुछ पता नहीं चला है, लेकिन आप लोग परेशान मत होइए, हम बहुत जल्द पता लगा लेंगे। स्वीटी, शिवांश ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, इन्हें पहले कुछ खिला दो, फिर दवा दे देना ताकि नींद आ जाए। ठीक है शिवांश, चलो पहले कुछ खाना खा लो, फिर हम दवा दे देते हैं। चलो। जय माता रानी। श्रवणी बेटा, कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं मां, लेकिन पता जरूर लगा लेंगे। तुम आ गए, हम कब से फोन कर रहे थे, फोन क्यों नहीं उठाया? शमी, शमी। हाँ। कुछ पूछ रहे हैं। रोहन, तुम्हें पता चला क्या शिवांश के साथ धोखा करने वाले कौन लोग थे? नहीं शमी, एक्चुअली हमने हमारे सारे दोस्तों से पूछा, ना उन्होंने ना उनके किसी बिजनेस पार्टनर ने किसी ने भी शिवांश के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। हमें लगता है कि शायद कोई फ्रॉड था जिसके साथ शिवांश ने डील किया। वैसे तुम कहाँ गई थी शिवांश के साथ? यूं तुम्हें कैसे पता हम शिवांश के साथ बाहर गए थे? स्वीटी, हाँ याद आया, जब हम घर आए थे तो स्वीटी ने हमें बताया कि तुम शिवांश के साथ बाहर गई हो। स्वीटी, लेकिन उसने तो हमें बाहर जाते हुए देखा ही नहीं। हम और शिवांश दोनों ही घर में नहीं थे,
तो हो सकता है उसने अंदाजा लगाया। वैसे तुम कहाँ थे? मैम कॉलेज, वो आज एग्जाम था ना, बस वही देने गए थे। वैसे प्रोफेसर तुम्हारे बारे में पूछ भी रहे थे, शर्मी क्यों नहीं आई? मैं खामखा झूठ बोलना पड़ा। तुमने कपड़े बदल लिए, सुबह तो कुछ और पहना था ना? हाँ, वो उन कपड़ों पर जूस गिर गया था। बहुत भूख लग रही है, हम खाना लगाते हैं। हाँ भूख तो मुझे बहुत लगी, आ जाओ। हम हाथ मुंह धोकर आते, तुम चलो। ठीक है। ये जैकेट तुम्हारा है ना रोहन? हाँ। और ये सिप जब तुम उस फर्जी ऑफिस में उन फर्जी लोगों को भगाने के चक्कर में तुम्हारी ये सिप टूट गई थी, तुमने शिवांश के 60 लाख लूट कर उसे बर्बाद कर दिया। क्या बर्बाद शिवांश को? लेकिन उनके 60 लाख लूटने के लिए नहीं, क्योंकि हम तुमसे प्यार करते हैं। और आइंदा भी अगर किसी ने हमारे प्यार के बीच में आने की कोशिश की तो भी हम यही करेंगे। आपकी अपनी श्रवणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।